अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एमन परवेज़ और आज हम बात करने वाले हैं कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कि आप अपने दांतों का दर्द जो है नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस एतबार से आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी, सो स्टे ट्यून्ड। तो पहले स्टार्ट इस बात से करते हैं कि दांत का दर्द एक्चुअली क्या होता है। दांत का दर्द एक बहुत ही शदीद दर्द होता है, जिसकी वजह से आपका पूरा जो है लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके होने की कुछ वजूहात होती हैं, जैसे कि या तो दांतों में या गम्स में इन्फेक्शन हो रहा होता है तो ये हो जाता है। उसके अलावा अगर दांत में कीड़ा लग गया हो या एब्सेस हो रही हो या कोई गम डिजीज़ हो, तो उसकी वजह से ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि नेचुरली हम कैसे अपने दांत के दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेचुरली कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ होती हैं जिसको इस्तेमाल करके आप काफ़ी हद तक जो है अपने दांत के दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले ये है कि आपने सॉल्ट वाटर इस्तेमाल करना है, जिसमें आपने ये ऐसे बनाना है कि आपने एक ग्लास गर्म पानी के अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट आपने डिसॉल्व करना है। फिर उसको आपने जो है अपने मुंह के अंदर 30 सेकंड के लिए उसको घुमाना है और फिर आपने उसको फेंक देना है। ये आपने 10 से 15 दफ़ा करना है ये प्रोसेस। उसके अलावा सेकंड काम आप ये कर सकते हैं कि बर्फ़ का जो पैक होता है या बर्फ़ किसी कपड़े में डाल के वो आप जो इफ़ेक्टेड एरिया होता है या आपकी जो चीक बोन होती है उस पर आप जो है हल्के हल्के प्रेशर से अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप गार्लिक यानी आपने लहसुन लेना है, उसको आपने एक एक जब आपने उसकी लेनी है एक क्लोव जो होती है लहसुन की, वो लेके आपने उसको क्रश कर लेना है और उसको थोड़े से नमक के साथ मिक्स करके आपने अपने इफ़ेक्टेड दांत पे लगा लेना है। और चौथा काम आप ये कर सकते हैं कि एक ऑयल होता है पेपरमिंट ऑयल, वो आप यूज़ कर सकते हैं। पेपरमिंट ऑयल के अंदर मेंथॉल होता है, जिसके अंदर एक्टिव जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो आप कॉटन बॉल पे लगा के आप अपने इफ़ेक्टेड दांत के ऊपर लगा सकते हैं। फिर उसके अलावा फिफ्थ आप ये कर सकते हैं कि आपने जो है वो क्लोव यानी कि लौंग का इस्तेमाल करना है। लौंग दांतों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है दांत के दर्द के लिए। आप लौंग का तेल भी यूज़ कर सकते हैं या आप एक लौंग जो होती है वो आप चबाएं और फिर उसको जो है आधे घंटे के लिए अपने इफ़ेक्टेड दांत के ऊपर होल्ड करके रखें, फिर उसको फेंक दें। उसके अलावा फिर आप एलोवेरा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एलोवेरा जो होता है उसके अंदर भी नेचुरल ऐसे एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसका फ्रेश जेल जो है वो लेके वो भी आप अपने दांत पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और होम रेमेडीज़ के अलावा भी आपने कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, जैसे कि आप फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, फ्लोराइड जिसमें ऐड होता है, दिन में 2 दफ़ा आप ब्रश ज़रूर करें। उसके अलावा बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स और ड्रिंक्स जो हैं वो आप अवॉइड करें, और स्मोकिंग अगर कोई करता है तो स्मोकिंग अवॉइड करें, और अपने डेंटिस्ट से जो है वो रेगुलर चेकअप्स करवाएं।